नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में मेहुल मावाणी एजुकेशन एंड कल्चर। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे देश के तीन नाम, यानी कि भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, ये तीनों नाम कैसे पढ़े, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करें, भारत के तीन नाम कैसे पढ़े। दोस्तों वैसे तो भारत को भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिंद, ऐसे कई नामों से जाना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में भारत को भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, ये तीनों नामों से ज़्यादा जाना जाता है। तो अब हम ये तीनों नाम भारत के कैसे पढ़े, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों हमारे देश को भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, ये तीनों नाम कैसे पढ़े, इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा पहला मुद्दा, हमारे देश का नाम भारत कैसे पढ़ा। दोस्तों हमारे देश का नाम भारत पड़ा उनके तीन कारण हैं। पहला कारण, भारत के नाम के पीछे महाभारत के आदि पर्व में आई एक कथा है। महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पुरुवंशी राजा दुष्यंत के बीच गांधर्व विवाह होता है। इन दोनों के पुत्र का नाम भरत हुआ। ऋषि कण्व ने आशीर्वाद दिया कि भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूखंड का नाम भरत के नाम से जाना जाएगा, इसलिए हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और दोस्तों अब जानते हैं दूसरा कारण, भारत का प्राचीन नाम अजनाभवर्ष था। अनेक पुराणों के अनुसार नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण अध्याय 37 के अनुसार ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र थे, ऋषभ के पुत्र भरत थे और इनके ही नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऐसा मालूम होता है। तो दोस्तों यह था भारत देश के नाम का दूसरा कारण। अब जानते हैं तीसरा कारण, ऋग्वेद में दस राजन युद्ध यानी कि दस राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है। युद्ध दस राजाओं के महासंघ और भरत जनजाति के राजवंश के राजा सुदास के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध पंजाब की रावी नदी पर हुआ था। इस युद्ध में राजा सुदास ने दस राजाओं के महासंघ पर विजय पाई थी। इस विजय ने राजा सुदास की प्रसिद्धि को कई गुना बढ़ा दिया था और अतः लोग खुद को भरत जनजाति के सदस्यों के रूप में जानने लगे थे, इसीलिए भरत का नाम लोगों के मुंह पर रहने लगा और फिर आगे चलकर लोग इस भूमि को भारतवर्ष या भारत की भूमि के नाम से बुलाने लगे। तो दोस्तों इस तरह भारत का नाम भारत पड़ा। अब चलते हैं आगे। दोस्तों अब जानते हैं हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। दोस्तों हिंदुस्तान शब्द के पीछे सिंधु नदी का नाम का हवाला दिया जाता है। दरअसल मध्य युग में तुर्क और ईरानियों ने भारत में प्रवेश किया, वे सिंधु घाटी के रास्ते भारत में आए। तुर्क और ईरानी स का उच्चारण ह से करते हैं, इसलिए सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। इस तरह हिंदुओं के इस देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। तो दोस्तों इस तरह हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। दोस्तों अब जानते हैं हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। दोस्तों इंडिया शब्द इंडस शब्द से बना है, जिसको संस्कृत भाषा में सिंधु कहते थे।
प्राचीन समय में ईरान और ग्रीस यानी कि रोम के लोग सिंधु नदी से परिचित थे। आज से 2500 वर्ष पहले यह लोग इस इलाके से परिचित थे। ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंडोस यानी कि हिंदुस्तान नाम पड़ा और ग्रीस के लोग इंडस कहते थे। वो इस नदी के पूर्व किनारे को इंडिया कहते थे। तो दोस्तों इस तरह हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। और आगे देखते हैं, सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस वैली भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता रोम की सभ्यता की तरह प्रसिद्ध थी और पूरे देश में फैली हुई थी। इंडस वैली के कारण ही देश का नाम इंडिया पड़ा। और दोस्तों आगे जाकर इंग्लैंड से अंग्रेजों का भी आगमन हमारे देश में हुआ। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंडस वैली भी कहा जाता है, इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के शासनकाल में इंडिया नाम काफी प्रसिद्ध हुआ और हमारे देश दुनिया में इस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरह हमारे देश का नाम भारत, हिंदुस्तान और इंडिया पड़ा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की आपकी ये वीडियो, जिसमें हमारे देश का नाम किस तरह पड़ा इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत चुकिएगा। आपका दिन शुभ रहे।